नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, रोज़ की तरह मैं यहाँ सुबह आ गया हूँ और एक्सरसाइज वगैरह सब हो गई है। तो दोस्तों, आज का रूटीन कुछ ऐसा है कि दोपहर में मुझे मम्मी की दवाई लेने जाना है और मैं आपको एक अपने दोस्त से मिलाऊँगा। दोस्त क्या है, छोटा भाई है मेरा, वो उससे मैं आपको मिलवाऊँगा। और जबलपुर का एक बहुत ही प्रसिद्ध गार्डन है भंवरताल गार्डन, वहाँ हम चलेंगे और आपको वहाँ के नज़ारे दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, बहुत मस्त कढ़ी चावल बना है, अब कढ़ी चावल खाया जाएगा, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो आगे देखते हैं कैसा बना कढ़ी चावल। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट। गर्मी में कढ़ी चावल खाने का तो अलग ही मज़ा है। तो दोस्तों, जल्दी से ये ख़त्म करते हैं और फिर निकलते हैं। दोस्तों, मैं निकल गया हूँ घर से, मुंह वगैरह बांध लिया हूँ, मास्क वगैरह लगा लिया हूँ क्योंकि अपनी सेफ्टी पहले, आप देख रहे हैं कोरोना काल में सेफ्टी ज़रूरी है। तो यहाँ से कुछ दूर चलना पड़ेगा, फिर ऑटो पकड़ के वहाँ पहुँचते हैं। धूप बहुत तेज है तो फटाफट पहुँचते हैं वहाँ। ऑटो में बैठ गया हूँ। तो मैं पहुंच गया हूं सिविक सेंटर और आगे यहां मम्मी की दवाई लेने जा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि मम्मी की दवाई वहां मेरे एरिया में नहीं मिलती क्या, क्या है कि वहां बहुत सारे मेडिकल स्टोर है, मिल तो जाती है लेकिन महंगी मिलती है। इस एरिया में क्या दवा मार्केट है, दवा बाज़ार है, यहां 10-20% के डिस्काउंट पर मिल जाती है। यहां पर एक धर्म मेडिकोज है, वहीं जा रहा हूं दवाइयाँ लेने। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, इस बिल में 1748 का बिल बना था और डिस्काउंट करके 1485 कर दिया गया है। और ये रही हमारी दवाइयाँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपने एक ख़ास दोस्त से मिलाऊंगा, तो चलिए दोस्त से मिलते हैं। तो दोस्तों, मिलिए मेरे फ्रेंड से, जितेंद्र सिंह राणा से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और भाई ने नया चैनल चालू किया है, उसको सपोर्ट करो, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और बहुत मेहनत कर रहा है भाई मेरा, है ना। और आप सब लोग खुश रहो, हंसते रहो, बस यही दुआएं हैं। हम लोग को भी दीजिए और आप लोग भी रखिए। दोस्तों, जितेंद्र और मैं, हम दोनों एक्टर हैं और बॉम्बे में साथ में रहते थे और काफ़ी स्ट्रगल किए हम लोग ने साथ में। बॉम्बे से अभी जितेंद्र कुछ फैमिली मैटर की वजह से घर पर आया हुआ है, फिर ये वापस जाएगा। तो अभी ये यहाँ पर था जबलपुर में, तो मेरे पास चलो मिलते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो दोस्तों, आइए आपको घुमाते हैं गार्डन। दोस्तों, जो आप ये स्मारक देख रहे हैं, ये रानी दुर्गावती का स्मारक है, जो गौड़ वंश की रानी थी। अगर आप रानी दुर्गावती के बारे में और भी बातें जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक फुल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
विकास के लिए किया था और हमने पूरे शहर में किया था, लेकिन ये जो मंच है ये बहुत यादगार है। यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे हमारा शो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ भवरटल गार्डन में हैं और ये बहुत ही पुराना गार्डन है। ये गार्डन करीबन 1980 या 82 के आसपास का है। जब हम लोग छोटे थे, बचपन में आए करते थे, तो यहाँ पर ट्रेन हुआ करती थी, जो अभी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी गार्डन तो पूरा नया निर्माण हो चुका है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें नई बन गई हैं और गार्डन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इसका क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है, आप जैसा देख सकते हैं। और अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इस तरफ देखिएगा। ये देखिए, ये स्केटिंग ग्राउंड है, या इसे स्केटिंग ट्रैक कहेंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे स्केटिंग सीख रहे हैं। जब हम छोटे थे तो हम जानते भी नहीं थे कि स्केटिंग क्या होती है। फिल्मों में हीरो को देखते थे स्केटिंग करते हुए, तो हमें लगता था कि काश ये चक्के वाले जूते हमें मिल जाते तो हम क्या से क्या ना करते। ये देखिए छोटी सी बच्ची कैसे स्केटिंग प्रैक्टिस कर रही है। इन बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है। जो चीज़ें हमें बचपन में नहीं मिली, वो हमारे शहर के बच्चों को मिल रही है। इसके लिए जबलपुर प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतना सुंदर गार्डन बनाया, इतना अच्छा ट्रैक बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जैसा कि दोस्तों आप मेरे साथ ये गार्डन देख रहे हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गार्डन है। कुछ तो और देखते हैं। तो ये है मेरा प्यारा शहर जबलपुर, जिसे संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। और इस शहर पे माँ नर्मदा की बहुत कृपा है। जैसा कि सभी लोगों को अपना शहर बहुत प्यारा होता है, तो मुझे भी अपना शहर जबलपुर बहुत प्यारा है। आई लव यू जबलपुर। दोस्तों, ये था मेरा आज का ब्लॉग जो भवरटल गार्डन के ऊपर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत बहुत पसंद आया होगा। और अगर ब्लॉग पसंद आया है तो ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।